बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू डेवलपमेंट है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, और रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है 2019 में जो एडवर्टीज़ हुई थी पेट्रोल ऑफिसर की वैकेंसीज, और सीनियर ऑडिटर की भी इसके साथ ही हुई थी। तो इट्स मीन के अभी उसका रिज़ल्ट भी जल्द ही अपडेट हो जाएगा, और ये केस नंबर है 25/2019 का, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये इसका एड्रेस है। डेट अनाउंसमेंट है आज की ही, 23 जुलाई 2020। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, और बाकी आप सर आपके काफ़ी सारे सवाल होंगे, उनके जवाब में साथ आपके दूंगा। फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस कोड द अबव लेटर नंबर, यानी कि ये जो आपका लेटर नंबर है F425/2019-R, डेट एंड इंडिकेट द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि पेट्रोल ऑफिसर आपने लिखना है जिसके लिए आपने, और किसको एड्रेस करना है, टू द सेक्रेटरी इस्लामाबाद बाय डेजिग्नेशन एंड नॉट बाय नेम। नेम नहीं लिखना, बल्कि लिखना है टू द सेक्रेटरी FPSC। जब आप डॉक्यूमेंट्स वापस भेजेंगे तो उसके लिए बात ये की गई है। अच्छा, अब इस पोस्ट में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनको आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, उसके बारे में मैंने आपको सब बताना है। नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है रिक्रूटमेंट टू 234, 234 सीटें हैं, जबकि जो पास हुए हैं इस लिस्ट में वो कम हैं। तो आप लोगों के फौरन माइंड में आएगा, तो अगर हमारा नाम है तो ये क्यों है और बाकी क्या होगा। जिनका नाम नहीं है वो परेशान हो जाएंगे। तो सब के सवालों के जवाब मैं आपको इसी सेशन में ही दूंगा। तो रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ 234 पोस्ट ऑफ पेट्रोल ऑफिसर BPS 14 नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि मोटरवे पुलिस की ये सीटें थी। तो विद रेफरेंस टू देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सब्सिक्वेंटली अपीयरिंग इन द स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये भी आपने याद रखना है कि ये जो नाम आए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की बेस पे हैं। द बिलो लिस्टेड कैंडिडेट्स हुज नेम रोल नंबर हैव बिन गिवन बिलो आर एडवाइज्ड टू फर्निश द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड विद नेम स्टैंप ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, यानी कि 17 ग्रेड का मतलब हो जो अटेस्ट कर रहा हो और उसका बाय नेम स्टैंप होनी चाहिए। एज मेंशन इन कॉलम 4, विद इन 15 डेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ दिस नोटिस ऑन FPSC वेबसाइट लेटेस्ट बाय 6 अगस्त, अब जुलाई चल रहा है तो 6 अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचने चाहिए। टू डिटरमिन देयर एलिजिबिलिटी, और इस पर स्क्रूटनी होगी। इट मे हाउएवर बी अंडरस्टूड दैट आस्किंग फॉर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स शुड नॉट बी इनफर्ड दैट दीज कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड दैट देयर एलिजिबिलिटी इन ऑल रेस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीज कंडीशन शैल बी डिटरमिंड आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स एंड क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस एंड ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आपके ज़रूरी है कि आपका फिजिकल फिटनेस और ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, बायोडाटा फॉर्म है ड्यूली साइंड एंड फिल्ड इन कम्प्लीटली बींग सेंट बाई पोस्ट, आपको ई मेल के ज़रिए या बाई पोस्ट भेजी गई होंगी, आप देख सकते हैं। 2 फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे, बैक पे आपने CNIC और नाम लिख के अटेस्ट करवाना होगा, कंप्यूटराइज्ड CNIC की कॉपी अटेस्ट करवानी होगी, मैट्रिक जिस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इशूड बाय दी सेक्रेटरी BIS वो अटैच करना है अपने, सेकंड क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री, अगर आपकी डिग्री आपने बैचलर किया तो उसकी आपने वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होंगे, बैचलर की डिग्री और DMC साथ, ट्रांसक्रिप्ट DMC शोइंग ग्रेड डिवीजन एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स अबव डिग्रीज इफ एनी, वो भी आपका मेंशन होगा। तो मिनिमम हाइट क्या चाहिए, आपने ये कंफर्म करना है कि मेल के लिए 5'8" होनी चाहिए हाइट, फीमेल के लिए 5'4" होनी चाहिए। फॉर कैंडिडेट्स ऑफ बलोचिस्तान हाइट इज़ रिलैक्सेबल बाई 2 inches फॉर मेल एंड 1 inches बाई फॉर फीमेल, तो इनको रिलैक्सेशन होगी मेल को 2 inches की और फीमेल को 1 inch हाइट की। मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट मेल के लिए 33 से लेकर 35 तक, रिलैक्सेबल बाई 1 inch, यानी कि नॉर्मल हैं तो 33 रिलैक्स जब होते हैं और जब फुलाते हैं सांस लेके तो 35 होने चाहिए। कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, लाइसेंस यहाँ पे मेंशन नहीं है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट
ओरिजिनल डीपीसी आपको चाहिए होगी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इशूड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट. सेल्फ डोमिसाइल आपका चाहिए होगा. नोट द एलिजिबिलिटी ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू वन फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द फिटनेस कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग एफिशिएंसी एंड एडवर्टीज विल बी डिटरमिंड ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ड्राइविंग टेस्ट ऑफ टू बी अरेंज कंडक्टेड बाय द नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस एज एंड वैन रिक्वायर्ड. तो मोटरवे पुलिस आपकी ड्राइविंग और जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेगी. एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए और 5 साल की रिलैक्सेशन है इन अपर एज लिमिट. नो फर्दर एज रिलैक्सेशन अब बियॉन्ड 30 ईयर्स इज एडमिसिबल फॉर एनी कैटेगरी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट. यानी कि कोई भी किसी भी कैटेगरी में है तो 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट होगी और ये डेट उस वक्त कट ऑफ डेट देखी जाएगी जब आपकी क्लोजिंग डेट थी अप्लाई करने की. अब की डेट नहीं देखी जाएगी. तो कन्फ्यूज़ नहीं होना. तो बाकी भी अब आपके कुछ सवालात होंगे. अगर आप मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ, अगर आपकी फ़िज़िकल फिटनेस ठीक है, ड्राइविंग आपको आती है, नहीं आती तो अभी से सीख लें, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी और लाइसेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं कही गई. अगर एडवर्टाइजमेंट में दी गई थी कंडीशन लाइसेंस होना चाहिए तो फिर तो लाजमी होगा. मैंने अभी वो आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी, वो आप खुद देख सकते हैं. और अगर ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी ही रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी सिर्फ ड्राइविंग चेक की जाएगी. तो लाइसेंस में आपने कंफ्यूज नहीं करना. अब अगला जो सवाल आपको है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. द बिलो मेंशन्ड कैंडिडेट्स आर आल्सो बीइंग इन्फॉर्म्ड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस SMS ईमेल इन केस ऑफ अबव कैंडिडेट्स फेल टू फर्निश द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम और फर्निश इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हिज आर कैंडिडेचर शैल बी लाइबल टू रिजेक्शन. तो रिजेक्ट कर दी जाएगी अगर आपके विद इन टाइम यानी कि 6 अगस्त तक आपके अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. तो टाइम से आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं. इसके अलावा बायोडाटा फॉर्म की जो फिलिंग की एक वीडियो पहले हमने अपलोड आज ही की थी, आप उसको भी देख सकते हैं. अगर किसी को वो वीडियो ना मिले तो लिंक व्हाट्सएप करके हमें आप वो लिंक ले सकते हैं जिस तरीके से बायोडाटा फॉर्म आपने फिल करना है. अब अगला सवाल आता है कि ये जो पास हुए हैं तो ये ओपन मेरिट वाले लोग हैं जिनके अगर टेस्ट फिजिकल टेस्ट और ड्राइविंग का टेस्ट अच्छा होता है तो ये ओपन मेरिट पे क्वालिफाई होंगे. और इनमें से अगर कोई ड्रॉप भी होता है यहाँ से तो जो आपका प्रोविंशियल कोटा होगा उसमें आप चले जाएंगे, फिर भी आप टॉप पे रहेंगे. तो ये जो लोग हैं इनकी सिलेक्शन तकरीबन जो है 90% तक कम्प्लीट है. अगर वो फिज़िकल फिटनेस के लिहाज से पूरा उतरते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के, ये ड्राइविंग लाइसेंस तो यहाँ पे नहीं मेंशन, जैसा कि मैं दोबारा ज़बान फिसलने के लिए माजरत खाऊं, तो ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी के लिए जो अगर वो बिल्कुल सही आते हैं, मेरिट पे आते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. उधर से अगर फेल ना हो तो रिटर्न की तरफ से अब आप इंटरव्यू पे अगर फोकस करेंगे तो अच्छे नंबर इंटरव्यू में आप ले लेंगे तो आपकी सिलेक्शन पक्की है. स्पेशली ये जिनके नाम इस लिस्ट में आए हैं तो इंशाल्लाह हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन इंटरव्यू की भी तैयारी करवा रही है. आजकल कोरोना का वैसे भी इशू है तो आप कहीं वैसे इंटरव्यू की तैयारी भी नहीं जा सकते और ज़्यादा फीस भरने की ज़रूरत भी क्या है जब आपको घर बैठे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं. A to Z कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन और तैयारी करवाएंगे. और दूसरे नंबर पर आपके लिए गोल्डन चांस ये है कि चूँकि आपके इंटरव्यू में आपको काफ़ी सारे मोटरवे पुलिस के मुतालिक सवाल आते होंगे तो हमने नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जो अभी पेट्रोलिंग ऑफिसर की जो सीटें आई थी तो हम वो भी आपके लिए अवेलेबल कर देंगे ताकि आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके सवालात का जवाब भी दे सकें. तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है और बेहतर फ़ायदा हो गया है जो स्पेशली न्यू सीटों की वजह से. तो ये जितने भी लोग हैं ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ ताकि आपको अगर उधर से डाउनलोड करने में या वेबसाइट पर थोड़ा रश होने की वजह से प्रॉब्लम आए तो आप जो है इसको लिस्ट को देख सकते हैं. और ये ज़्यादातर ओपन मेरिट की, अब इसमें थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे ये सारी की सारी फ़ीमेल्स हैं तो ये फ़ीमेल्स का जो है ये अलग से मेरिट शायद बन जाए तो मैं पहले इस पर गौर नहीं किया था. तो ये देखें सारे के सारे नाम तकरीबन जो है 100% ये फ़ीमेल्स के हैं. तो इसलिए आप ये ओपन मेरिट वाला जो मैंने आपको आइडिया दिया है या सवाल दिया है तो उसके लिए मैं दोबारा आपसे माजरत करता हूँ. ये सिर्फ फ़ीमेल को उन्होंने सेग्रीगेट किया है तो फ़ीमेल अपने मेरिट पे या उनके अपने हिसाब से वो चलेगा, इनका मेल का फिर अलग से होगा. तो ये सारी की सारी फ़ीमेल हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं. तो ये
इट्स मीन के सारे के सारे ये ओपन मेरिट वाले नहीं हैं, बल्कि ये फीमेल का उन्होंने अलग से रिजल्ट दिया। तो ऑल द बेस्ट, गोल्डन आपके लिए चांस है। आप जब मेडिकल और ड्राइविंग का दे लेते हैं टेस्ट, वो अगर क्वालिफाई आपका होता है तो आप इंटरव्यू ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।